और अगले 5 वर्ष तक मोदी कहीं हिलने वाला नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मुझ में राम, हम सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, हमें लड़ना किसे सिखाया है। तो भैया क्या लगता है, इस बार मोदी जी बहुमत से जीत पाएंगे? मोदी जी जीत पाएंगे और बड़े मात्रा में 400 पार करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है कि आज बैंक ले लो, सड़कें ले लो, फ्लाईओवर ले लो, काम ले लो और दुनिया में नाम ले लो, सब तरह से मोदी मोदी हो रहा है और लोगों के दिल में राज कर रहा है। इसलिए अभी और अगले पांच वर्ष तक मोदी कहीं हिलने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना भी, क्योंकि बच्चे बच्चे के दिल में बैठ गया है, मोदी अपनी लंबी यात्रा तक रहेगा। कह रहा हूँ जी, जो इन 10 सालों में जो काम हुआ है, एक सिर्फ नींव है और आगे और बड़ी इमारत बनेगी। हाँ जी, ये जो अभी पीछे काम किया है, देखो अगर बात ले तो बैंकों में खाता नहीं खुल पाता था। हम पढ़ाई करते थे और हम अपने कागज असिस्टेंट करवाने के लिए जाते थे, परंतु हमारे कागज राइट दे दिया, साइन करके दो, आधार कार्ड कहीं लेके जाओ, अपने काम करो। और राशन पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा, गरीबों को घर दिया, झुग्गी दिया, गैस कनेक्शन दिया, सब कुछ दिया। बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं में इतना भव्यता ला रहा है, लोगों के अंदर ऊंचे उठो, विकास करो, और तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं दे रहा है और आगे भी देगा। और आने वाले 5 साल में लोग उसको महसूस कर रहे हैं अभी भी, और आगे तो देखेंगे, बहुत बड़ा काम होने वाला है। देखिए आज हम सेक्टर 11 में और बहुत विशाल संख्या में जो देख रहे हैं, ये जो सैलाब देख रहे हैं, ये हमारे योगेंद्र चंदौलिया के एक पल के इंतजार कर रहे हैं कि उनकी वाणी से सुने। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अलग जगाया है इन दत्ताओं का, राम मंदिर का हो मुद्दा या कश्मीर का मुद्दा हो, 377 धारा हटी, 35A हटा, ये सौभाग्य की बात नहीं है क्या साहब? आज कन्याकुमारी से आप कश्मीर तक जाइए, क्या रोड है चकाचक, और आप जाइए ना मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, चकाचक। अब आप गंगा स्नान करिए, निर्मल गंगा का वहां, तो ये नहीं। और भ्रष्टाचार का एक नाम निशान नहीं। 10 साल रहे, कोई भी अंगली किसी सेंटर पर हो, CM पर हो, किसी पे हो, तो बताइए। और पहले की सरकार आई, अपना अपना घर भरा, और हमारे योगेंद्र चंदौलिया भी ऐसे ही है, निर्मल है, हमारे बीच के कार्यकर्ता रहे हैं, और वो एक SSC प्रधानमंत्री के लिए, वो भी मोदी जी की गारंटी, हम धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे। यह सबसे बड़ी आबादी है, 55 लाख की आबादी है इस लोकसभा में, लेकिन योगेंद्र चंदौलिया, हर कार्यकर्ता योगेंद्र चंदौलिया के रूप में कार्य कर रहा है। आज हमारे यहाँ पे रोड यात्रा है, और रोड शो के दौरान हम हर पॉकेट में शहरी केंद्र से बूथ अध्यक्ष है सभी को लेकर चल रहे हैं, व्यापारी हो, जैन समाज हो, अग्रवाल समाज हो, सभी को लेकर चल रहे हैं, और क्यों ना चलें, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे तो इससे भी ज्यादा गरीबों की, और उज्ज्वल योजना के 11 करोड़ लोगों को मिला, ये कम है क्या साहब? अगर घर घर लाइट मिली, 18 करोड़ लाख लोगों को लाइट पहुंचाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। अगर सोचे तो धन धन का खाता खुला तो मोदी जी सरकार के दौरान खुला। मानवता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो वो खुला, तो कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी ने हर घर में और माँ बेटी सब परिवार, लोग कहते हैं बेटी बैठाओ बेटी बचाओ, कोई भी कार्य हो, लेकिन सब कहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर देखना चाहते हैं और 400 पार देखना चाहते हैं। ये सब का संकल्प है, ये सब हमारे, तुझ में राम, मुझ में राम, हम सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, हमें लड़ना किसे सिखाया है, लड़ना किसे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम लास्ट का कतरा देश के, आज विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो मेरे भाई, वहाँ जाने के बाद में लोग वहाँ के प्रधानमंत्री पैर छूते, ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि दूसरे प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर उनके पैरों पर हाथ लगाते, ये कोई सम्मान की बात नहीं। आज हमारे बच्चे दूसरे देशों में पढ़ने थे तो हमारे भारतीय शान को देखते हैं, आज हमारी 10 में से 30 5 में उस पर आ गई अर्थव्यवस्था, ये बड़ी बात नहीं है क्या? आज हमारे जो
जो सबसे भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ था उसको उखाड़ने फेंकने का काम किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको सबको अपील करना चाहता हूँ कि 25 मई को घर घर से इतनी वोट पड़नी चाहिए कि मोदी जी के कंधे को मजबूत करने का काम करेगा। दिल्ली की 7 सीटें हमें जिता के भेजेगा और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उनके दूत बन के आए हैं उनको सबको जिताने का संकल्प लेना होगा और एक बार फिर हमारी मोदी सरकार होगी। मैं बड़े खुश नसीब से कहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक के विश्व के सबसे बड़े लीडर हमारे यशस्वी प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लास्ट की पंक्ति का नरेंद्र सोलंकी है कि नहीं है। और अभी देखना हमारे चंदौलिया जब आएंगे तो पलगे बिछाए लोग हम बैठे हैं दोपहर से क्योंकि वो ये सच्चे भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है और यही कार्यकर्ता का एक हमारा संकल्प है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये थी जनता की राय। काफी उत्सुक है चुनाव को लेके, यहाँ पे एक त्योहार की तरह रैली को मनाया जा रहा है। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।